मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में लड़कियों को उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को है। लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक समान है। लड़कियों को भी सपने देखने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को। उन्हें भी बाहर जाके अपना नाम करना, नौकरी करना, अपनी पहचान बनाने का उतना ही अधिकार है। लेकिन अगर सब लड़कियां बाहर निकल जाएंगी अपनी पहचान बनाने के लिए, तो फिर घर कौन संभालेगा? अगर लड़कियां ही नहीं बचेंगी घर संभालने के लिए, तो फिर घर की नींव कमजोर रह जाएगी। और आखिरकार एक औरत ही तो घर को घर बनाती है, घर को संजो के रखती है। औरत की वजह से ही घर घर होता है, वरना बिना औरत के तो घर एक मिट्टी और ईंट पत्थर का मकान बन के रह जाएगा। क्या मैंने बलिदान नहीं दिया? क्या मेरे सपने नहीं थे? लेकिन त्याग और बलिदान के तो कुछ नहीं मिलता ना, कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने इस घर को संजोने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बलिदान दिया है इस घर को संभालने के लिए, सबको एक करके रखने के लिए। और क्या मेरे बाद कोई इस घर को मेरी ही तरह संभाल पाएगा? कृष्णा, मुझे पक्का यकीन है मेरे बाद कृष्णा ही इस घर को संभाल पाएगी, सबको संजो के रखेगी, इस परिवार को संजो के रखेगी। मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी, बहू बन के नहीं बेटी बन के रखूंगी, और सब कुछ सिखाऊंगी उसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा कृष्णा को मेरे लिए इस घर की बहू बना के लेके आया है। मुझे कृष्णा में अपनी परछाई दिखाई देती है।